मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मोहन यादव सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश की धार्मिक नगरी और देवास की शंकरगढ़ की पहाड़ियों को फिल्म उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सरकार ने मध्य प्रदेश के चुनिंदा शहरों में पर्यटन की दृष्टि से 1150 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव का दावा किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक पिछले दिनों मुंबई में निवेश समागम आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के कई प्रकार के निवेश के प्रस्ताव आए थे। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक महेंद्र हॉलिडे की ओर से मुख्य प्रबंधक मनोज भट्ट ने उनकी 1-to-1 चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने देवास और उमरिया के बांधवगढ़ में 750 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इसके अलावा ओबेरॉय होटल ग्रुप के मयंक तनेजा ने 400 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूर किया है। यह 400 करोड़ रुपए प्रमुख पर्यटन स्थल पर निवेश किया जाएगा। इसके अलावा साज होटल ग्रुप की ओर से भी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निवेश की मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और सौंदर्य के क्षेत्र में कई ऐसे स्थल हैं जहां पर फिल्म उद्योग से जुड़े लोग यदि फिल्म बनाते हैं तो उन्हें काफी कम खर्चा लगता है। बताया गया कि इसके अलावा फिल्म उद्योग के लिए भी मोहन यादव की सरकार जमीन न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने को तैयार है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म अभिनेता अरबाज खान से भी मुंबई में मुलाकात कर फिल्म उद्योग को लेकर चर्चा की। बता दें कि अगर मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग पैर पसारता है तो यहां की अर्थव्यवस्था पर निश्चित ही बड़ा असर पड़ेगा, साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्यप्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई।